ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसमें देखिए दिया ए की वैल्यू, ठीक ए की वैल्यू दे रखा है 2/3 है ना, 3 × 3 का अब व्यू दिख रहा है हमें। वैल्यू किसका कैलकुलेट करना, 3a-5b, तो लिखेंगे हम लोग 3a-5b और ए की वैल्यू कितना रख देंगे, अब व्यू को उठा के रख देंगे 2/3, 1/3 और 7/3, और यहाँ 1 और यहाँ पर 2/3 और 2, यहाँ 5/3, 4/3 और 2/3, ठीक। और इसके बाद फिर कर रहा -5b, यहाँ -5b आप भी लिख देंगे 2/5, 1/5, 7/5 और 3/5, 2/5, 6/5, 1, 4/5 और 2/5 है ना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था सभी संगत अवयवों को एक दूसरे से गुणा करा लेंगे, तो गुणा करा लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। अगर 3 का सभी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, क्योंकि 2 × 3 तीन, 3 से कट जाएगा, यहाँ 3 से कट के 1 मिलेगा, यहाँ 3 से कट के 7 मिलेगा, यहाँ 3 × 1 = 3, 3 से कट जाएगा 2, 3 × 2 = 6 और यहाँ 3, 3 से कट जाएगा 5, 4 और 2, हर में 3 है सब कट जाएगा, 5 का गुणा कराएंगे तो क्या बचेगा, नहीं ऐसे लेते हैं 2 बचा देंगे, ठीक 5 का गुणा कराते हैं तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 और यहाँ 7, यहाँ 5 का गुणा होगा तो 3, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 5, 4 और 2 है ना। आगे देखते हैं, अब ये जब गुणा करा देंगे तो आपको यहाँ अब घटाना, तो 2 में से 2 जाएगा कितना मिलेगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, 0, 0, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर है ना। संगत अवयवों को एक दूसरे से क्या करेंगे, घटा दें, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, इसमें ध्यान से देखते चलिएगा चुपचाप बैठ के क्वेश्चंस को देखिए, जितना देखेंगे माइंड मेकअप बनाएंगे ना, अभी नहीं गुरु जी पढ़ा दिए, एकाग दाणी जब तक उतार नहीं लेंगे गुरु जी अच्छा नहीं पढ़ा रहे। तो मैंने कल बताया था कि गधों की लिस्ट में पहला नाम अगर डालना है तो कक्षा 10 तक आपने जो किया था क्या किया था, माइंड मेकअप नहीं किया, गुरु जी पढ़ा दिए और पढ़ाने के बाद क्या किए, गुरु जी रुक जाइए ऊपर बात कुल एकाग लाइन उतार रहे, तो 10 मिनट ओमे खा गए किसमें, कि गुरु जी का जो क्वेश्चन जैसे जैसे 5 लिखे हैं जैसे जैसे वो लिखे हैं उतारे, और उसके बाद इसका मतलब क्या किए, वो पूरे समय तक कोई कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं किए, तो सर जी जो समझा रहे थे तो तुम बोले यस सर समझ में आया, यस सर तो क्या समझ में आया, जब बोर्ड पर से ही उतार रहे। समझ में तब आया कि आपने अपने सामने क्वेश्चन को लगते एक बार देख लिया तो घर पे बैठोगे तो खुद से लगा जाओ, तब इसे कहते हैं तुमको समझ में आ गया, अगर ऐसा नहीं किए तो तुमको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिएगा आगे क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है इस पर योग निकालिए, इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे अगर कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम डायरेक्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां पर अगर कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा और यहां पर माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा यहां मल्टीप्लाई करेगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसके साथ जोड़ना इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पर साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दी, अब मल्टीप्लाई कराने के बाद इसको जोड़ना है, और जब जोड़ेंगे तो देखिएगा यहां पर जुड़ करके ये और ये जुड़ जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो दोनों प्लस माइनस है कट के कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यहां यहां जोड़ेंगे तो योग कट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इसको इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती? एक। यहाँ एक रख देंगे, जीरो जीरो, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, समझे? तो ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। सामान्य रूप से जो मल्टीपल है, चाहे अवयव किस अवयव के साथ गुणा कराएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, और कुछ फार्मूला याद है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आए? आगे बढ़ रहे। अब देखिएगा इसमें क्या है, ये भी इजी क्वेश्चन है, शायद मैंने इसको थोड़ा सा हिंट पहले ही किया था कैसे लगाएंगे। यहां देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है यक्स और वाई आप व्यू ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात कीजिए? एक समीकरण आप व्यू का ये है और एक समीकरण ये है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। तो ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का व्यू, तो जरा सोचिएगा, एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है इन्होंने 7205, ठीक, और इसमें एक्स माइनस वाई बराबर दे रखा है इन्होंने 3 0 0 और 3। अगर इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, जोड़ दें, तो हमको लगता है कि ये माइनस माइनस वाई कट जाएगा तो 2x बचेगा, और संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो 7 3 10, और यहां जोड़ेंगे तो 0, और यहां 2 और 5 3 8। अब यहां देखिए एक चीज और पढ़ा था, ये x क्या है, सॉरी 2 क्या है, 2 एक तरह का अदिश है, 2 क्या है जो अवयव x के साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। 2 एक तरह का अदिश है जो अवयव x के साथ गुणा कर रहा है, तो इधर आएगा तो भाग करेगा, तो संगत अवयव सभी अवयवों के साथ भाग कर देगा, तो यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 4, ये किसकी वैल्यू मिल गई, x की। अगर यहीं पर या तो समीकरण को घटा लीजिए, हमको ये किस क्या प्राप्त मिला, कब मिला, जोड़ने पर मिला है ना, और यहीं लिख देते हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, घटाने पर क्या मिलेगा, घटाएंगे तो एक्स एस कट जाएगा और 2y मिलेगा, क्या मिलेगा, 2y बराबर। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो संगत अवयव 7 में से 3 जाएगा तो 4, 2 में से 0 जाएगा तो 2, और 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना होगा तो 2 से अगर भाग दें, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2, ये एबव्यू एक्स हो गया और ये एबव्यू क्या हो गया, वाई, समझे बात को। तो x और y की वैल्यू पूछा था, क्योंकि x y समीकरण के अनुसार अवयव, x और y क्या है, अवयव है, तो हम लोग आंसर कैसा निकालेंगे, अवयव के रूप का, समझ में आया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो जैसे समीकरण आप हल करना सीखे होंगे कि दो समीकरण कैसे हल करते हैं, जैसे यहाँ 2x यहाँ 3x है, तो इसमें 2 का गुणा करा दी, इसमें 3 का गुणा कराएंगे, उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, किसकी वैल्यू मिलेगी, एक्स और वाई, समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए अपने से। आगे समझते हैं, करा एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, यदि वाई इक्वल टू इतना और एक्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू इतना, दोनों ज्ञात करना। तो वाई तो पता ही है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही है ना, हाँ सही नहीं है, सही है ना, क्वेश्चन सही है, तो वाई की वैल्यू तो पता हो गया, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स की। तो मुझे पता है कि 2x यहां दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 1 माइनस 3 0 और 2। वाई को उस पक्ष में ले चले तो 2x इक्वल टू हम लोगों को क्या मिलेगा, 1 माइनस 3 0 2, वाई यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 1 2 और 4, वाई की वैल्यू रख देंगे। अब यहां से 3 घटाते हैं, कितना मिलेगा, -2 मिलेगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2, इसमें से 1 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू, 2x की। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके सभी संगत अवयव 2 से ले जाकर के उससे में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो यहाँ 2 से भाग होगा कितना होगा, -1, और यहाँ कितना होगा, -2, यहाँ -1 और यहाँ पर, ये आंसर हो, समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। आगे देखते हैं क्वेश्चन, करा एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए, यदि ये वैल्यू दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना। देखिए ऐसे क्वेश्चंस, इसका मल्टीप्लाई करा दें 2 का, सॉल्व करते हैं
क्वेश्चन उतारेंगे और क्वेश्चन उतारने के बाद सॉल्व करेंगे तो दो का मल्टीप्लाई कराएंगे, दो तिया छह शून्य दो एक्स, ठीक। और इसमें जोड़ना है वाई, वाई ए 0 और 2 है ना, और ये इक्वल है किसके, 5 1 6। और अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 2 प्लस वाई और 0 प्लस 6 6 होगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, और यहाँ कितना 2x+2 हो जाएगा, 2x+2, और ये किसके इक्वल है, 5 6 1। और अब संगत अवयवों का क्या करेंगे, हम लोग तुलना कर देंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, संगत अवयवों की तुलना करेंगे तो 2 प्लस वाई इक्वल टू कितना मिलेगा, 5। दिस इंप्लाइड दैट वाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 है ना, और यहाँ 2x+2 इक्वल टू 8 होगा, उधर जाएगा 2 तो घटेगा कितना हो जाएगा, 6 होगा, और आप 2 से फिर भाग देंगे इसमें तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा। यही सॉल्व करना था, किसको फाइंड आउट करना था, x और, समझ में आया। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा एक्स वाई जेड तथा टी के लिए हल कीजिए यदि, है ना, तो देखते हैं यहां पर देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सॉल्व करते समय, यहां पर भी वही वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ये 2x 2z 2i और 2t हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। और यहां देखिएगा प्लस, यहां कितना जाएगा 3, यहाँ 0, 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ -3, और यहाँ पर 6, और ये बड़ा इसका भी गुणा करा दें, 3 3 का 9, 3 चौके 3 5 3 6 18 है ना, ये गुणा करा दिए, ध्यान समझिएगा, क्वेश्चंस घर पे सॉल्व करना, यहाँ केवल समझना है। और यदि आपने क्वेश्चन उतारा घर पे नहीं लगाया तो मैथ पढ़ने से कोई भी, देखिए आप एक आदत हमेशा डाल लीजिए बच्चे, गुरु जी बहुत टाप पढ़ाओ, हम कब कहते हैं लोग, जो दू दूना 4 5 उतार लो बच्चों, अरे कहता हूँ दू दूना 4 जब तुम समझ गए, यस सर, उतारे क्यों क्यों उतारे, इसका मतलब तुमको समझ में नहीं आया, तो समझ में आ गया है तो उतारना नहीं, क्या उतारना चाहिए आपको, बस वही बैठ करके एक कॉन्सेप्ट लिख लेना चाहिए कि हाँ ये मुझको फंसा सकता है जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो जो क्वेश्चन आपको फंसा रहा होगा सॉल्व करते समय उसी को आप क्या करेंगे, ठीक ना, ऐसा कर आप यहां जोड़ लीजिए तो 2x+3 है ना, और ये 2y, इसको जोड़ेंगे 2z-3, और यहां पर 2t+6 है ना, और यहां पर उतार देंगे 9 12 और 15 और 18, तो यहां से हम लोगों को इक्वल है, तो संगत अवयव एक दूसरे के इक्वल कर ले तो हम लोगों को 2x+3 बराबर कितना मिलेगा, 9, तो 2x बराबर 6, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और 2z-3 इक्वल टू 15 मिलेगा, तो 2z बराबर 15 3 18, तो z इक्वल टू 9, और 2y इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, संगत अवयव एक दूसरे से बराबर करते चल रहे, बना सकते हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, संगत अवयव बराबर करना है तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 6, ठीक। उसी तरह से 2t+6 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 18, तो 2t इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा 12, तो t इक्वल टू कितना मिलेगा, 6 है ना, तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा सा अगर माइंडसेट सही रखेंगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर, समझ गए, आगे देखते हैं। उसी तरह का ये क्वेश्चन है, इसमें भी कह रहा है, चैप्टर से सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, हाँ देखते रहिए, ये भी इजी क्वेश्चन होता है, इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा, इजी क्वेश्चन है, फिर x का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 3x, और इसमें y का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रत्येक अवयव में, तो -y, और यहाँ क्या हो जाएगा +y,
और ये किसके बराबर है, 10 और 5 के। अगर इस चीज को सीखेंगे नहीं तो आगे चल करके अव्यूहों का गुणा बड़ा होगा और बीजगणितीय समीकरण अव्यूहों से हल किए जाएंगे। अगर उस टाइम ये सारे कॉन्सेप्ट आपको तैयार नहीं है, जोड़ना घटाना गुणा करना, तो आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, ध्यान समझिएगा। अब इस संगत अवयव को एक साथ जोड़ ले तो 2x-y 3x+y हो गया, और ये किसके बराबर है, 10 और 5। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, संगत अवयव को एक दूसरे के बराबर कर देंगे, ठीक। तो 2x-y=10 और 3x+y = कितना, 5। मुझे लगता है इस समीकरण को हम लोग क्या करें, जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, सही कितना हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, 3 2 5x और ये 15। x = कितना हो जाएगा, 5 3 15 3 है ना। x की वैल्यू कहीं रख दीजिए तो 2 × 3-y = 10 कर देते हैं, और 3 2 6 -y = 10, 6 उधर जाएगा तो 4 बचेगा, और माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस। x की वैल्यू क्या रही, 3 रही, और y की वैल्यू कितना रहा, -4, ठीक है। आगे यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, ये तो लगवाए थे शायद इसी तरह, पीछे जैसे मैं आपने क्वेश्चन लगाया उसी तरह से आप इसको लगा लीजिएगा, एक ही तरह के सारे क्वेश्चन हैं, मल्टीप्लाई कराइएगा लगा लीजिए। आगे देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए एफ एक्स इक्वल टू, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 और 1, ये क्वेश्चन है। हमें प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, समझते हैं। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा, जैसे यहाँ एक्स है तो हर जगह क्या है एक्स, और जहाँ वाई करेंगे तो इसी फलन में एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे ना, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई, ये कास वाई हो जाएगा, और ये 0 0 0 और 1। उसी तरह से इसी फलन में अगर हमने यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रख दिया तो हर जगह, ध्यान समझिएगा, हर जगह कॉस एक्स की जगह पर कॉस एक्स प्लस वाई, साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स प्लस वाई, फिर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर 0 0 0 0 और 1, है ना, इसमें कोई दिक्कत। अब आपको कह रहा है, आपने फलन को चेंज कर लिया, अब आपसे कह रहा है कि एफ एक्स सिद्ध करिए, एफ एक्स और एफ वाई, फलन एक्स और फलन वाई का गुणनफल एफ एक्स इंटू वाई के बराबर होगा, तो दोनों फलनों के लिख दें, यहाँ के क्या है कॉस एक्स, एफ एक्स क्या है कॉस एक्स, और माइनस साइन एक्स, और क्या है 0, यहां साइन एक्स कॉस वाई 0, कॉस एक्स 0 0 0 और 1, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना, इसमें मल्टीप्लाई हम लोगों को कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 0 सॉरी 0, यहां साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 और 1, है ना, इसका मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान समझिए, हमने समझाया था इसका तो रो और कॉलम के साथ होता है, लेकिन इजी तरीका इसका क्या है, इजी तरीका मैंने समझाया था कि जिसका गुणा कराना, ये 3x3 का किसका है, और ये भी 3x, तो पहले का कॉलम दूसरे के रो के क्या है, तो अगला अव्यूह 3x3 का मिलेगा, तो पहले अव्यूह को कितनी बार लिखें, 3 बार, कॉस एक्स साइन एक्स
जीरो माइनस साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, एक बार हो गया, फिर लिखेंगे कॉस एक्स साइन एक्स जीरो और माइनस साइन एक्स, फिर माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स जीरो 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 और वन, दो बार हो गया, फिर लिखेंगे कॉस एक्स साइन एक्स जीरो माइनस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स जीरो 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 और वन, हो गया। एक आप भी उसको तीन बार लिख लेंगे, एक बार लिखा हुआ एक स्तंभ बनाएगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किसका, कास वाई का, किसका है ना, और यहाँ कास वाई का मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक, और यहाँ सब जगह सॉरी ये माइनस है ना, ये तो माइनस है, इसमें किसका मल्टीप्लाई, ये तो जीरो हो जाएगा, कास वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, आगे लिख लेंगे। यहाँ कितने का गुणा, साइन वाई का, साइन वाई साइन वाई, यहाँ नहीं कुछ चिन्ह प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे इंटू साइन, यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, कितने का गुणा जीरो का, कोई दिक्कत, यहाँ कितने का गुणा माइनस साइन वाई का, यहाँ कितने का गुणा माइनस साइन वाई का, यहाँ कितने का गुणा माइनस साइन वाई का, माइनस है, यहाँ कितने का गुणा कास वाई का, यहाँ पर भी कास वाई, प्लस ले लेंगे चिन्ह नहीं आएगा तो प्लस, यहाँ कास वाई, समझे, यहाँ पर देखिएगा प्लस लगाएंगे कितने का गुणा जीरो का, यहाँ कितने का गुणा, कितने का, और यहाँ कितने का गुणा, ठीक, अब यहाँ पर कितने का, एक का ना, प्लस गुड़े एक प्लस गुड़े एक प्लस गुड़े, अब खूब ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत कंसंट्रेट हो करके, ताकि ये क्वेश्चन बड़ा है लिखा गया तो कौन कोई दिक्कत ना हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला होता है, यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ पर भी जीरो, टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा जीरो। ये देखिए माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो कॉस ए साइन बी साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहाँ देखिएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है वाई, ठीक है, टेंथ में ये सब फार्मूला पढ़े होंगे। अब इसका देखिए जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा जीरो, ये देखिए ये जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो जीरो मिलेगा, ये जीरो ये भी गुड़ा जीरो ये भी गुड़ा जीरो, ये जीरो ये जीरो और इसका गुड़ा एक, समझे। अच्छा अभी आपने लिखा गुड़ा करने के बाद थोड़ा देरी समझते हैं बात को, अभी आपने यहाँ क्या लिखा एफ एक्स प्लस वाई बराबर इतना होता लिखा, और वही चीज आपने यहाँ फाइंड आउट किया है, क्या इसका मतलब, आपने जब गुणा करा है किसका एफ एक्स का किसके साथ एफ वाई के साथ, तो ये किसकी वैल्यू के बराबर आ गया, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू के क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ कब ना था, कोई दिक्कत इसमें, समझ आए बात, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीजें जो है यूट्यूब पर अपलोडेड मिलेंगे, अभी आप क्वेश्चंस लगाएंगे घर पर और आगे क्वेश्चंस जो भी होंगे आप लगाते रहेंगे।